तो आज आपके लिए लेके आए बेहतरीन सी वीडियो। सऊदी अरेबिया के स्कूल में रामायण पढ़ाई जाने से पाकिस्तानी परेशान। तो भाई देखते हैं भाई, रामायण जो है वो सऊदी अरेबिया जहाँ बहुत इस्लामिक कंट्री है तो वहाँ पे पढ़ाई जा रही है। तो देखते हैं आज की इस वीडियो को, प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर देखते हैं आज वीडियो। तो सऊदी अरब का, जैसे आपको मालूम है अभी कि सऊदी अरब ने जो है वो अपनी टेक्स्ट बुक्स में जो है रामायण और गीता को पढ़ने के लिए कहा है, महाभारत की बात की है कि उन्होंने वो टेक्स्ट बुक्स में ऐड किया है। तो क्या देख रहे हैं आप कि ये अरब वर्ल्ड क्या चेंज हो रहा है, और अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? पाकिस्तान तो आया ही भारत में से है, तो यहाँ पर क्यों हम महाभारत और रामायण बच्चों को नहीं पढ़ा सकते? ये कोई नया रुख नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि मुझे हिंद से खुशबू आती है। उन्होंने एक और हदीस भी है, आई एम नॉट 100% श्योर, जिसमें उन्होंने कहा मैं अरब से हूँ लेकिन अरब का नहीं हूँ, मैं हिंद से नहीं हूँ लेकिन हिंद मुझ में है, इस किस्म का है। तो हमारे प्रॉफिट को पता था कि हिंदुस्तान एक एडवांस सिविलाइजेशन है, और जोड़ जो है अरेबिया या अरबिस्तान या जो भी उसको कहें, यमन से और मलाबार से जुड़ा हुआ था, दूसरी तरफ जावा की तरफ था। तो ऐसा कोई नहीं था कि कोई एडवर्स मुल्क समझा जाए। उस वक्त भी लोगों को पता था कि हिंद जो है वो एक एडवांस सिविलाइजेशन है, और कभी उस पर आप देखिएगा, प्रॉफिट ने डिफरेंट दुनिया के रूलर्स को अपने मैसेजेस भेजे, दावत भेजी, हिंदुस्तान में कहीं नहीं भेजी उन्होंने कि तुम मुसलमान हो जाओ। ये तो बाद में लोग या तो गए हैं अरेबिया से और जाके पना ली है सिंध में, या बाद में तो खैर उमैयदों के बाद तो दुनिया ही पलट दी, रसूलल्लाह के दुश्मन जो हैं वो खलीफा बन गए, बट दैट इज अनदर स्टोरी। अब तो ये हुआ है कि हमने अपनी पूरी एजुकेशन सिस्टम जो है वो अपने फॉर्मर कॉलोनियल रूलर्स के हाथ में दे दी कि ए और ओ लेवल। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जहाँ हर शख्स जो है वो अपनी तालीम को नाप रहा है बाय दोज हु कॉलोनाइज देम। ये कहीं नहीं होगा कि जो हमारे जैसे एक जमाने में कराची बोर्ड ऑफ एजुकेशन के रिजल्ट्स आते थे और अखबार में छपते थे कि फर्स्ट डिवीजन और सेकंड और थर्ड डिवीजन, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन होता था, उसकी एक्साइटमेंट थी। अब तो नहीं है, अब तो ए और ओ लेवल में जिंदगी, और जो नहीं जाता ए और लो लेवल को उसको वो तो इंसान ही नहीं समझा जाता। तो आप सोचिए कि अंग्रेज की बनाई हुई चीज को हम अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन जहां हम पैदा हुए हैं, जिस जमीन की जो किताबें हैं, मैं नहीं समझता हूं पाकिस्तान में किसी घर में रामायण या महाभारत पढ़ी हो या इजाजत हो रखने की। ये एक अजीब सी बात है सर, भगवत गीता है मेरे पास। नहीं नहीं, बड़ी बात है आपकी कि आपके घर में है, इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है, लेकिन मेरे ख्याल इंग्लिश में ज्यादा बेटर है, उर्दू में ट्रांसलेशन ठीक है। हाँ, उर्दू में एक वो ऐसी जबान है जिसके अंदर हर चीज घुमा फिरा के की जाती, स्ट्रेट फॉरवर्ड जबान नहीं है उर्दू, सो यू हैव टू इंडल्ज इन नाइसिटीज ऑफ द लैंग्वेज। तो बट आई हैव रेड देम इन इंग्लिश एंड टू सम एक्सटेंट इट गेट्स टू लॉन्ग टू ग्रास्प, बट यू नीड टू गिव क्रेडिट टू सऊदी अरेबिया। ये मोहम्मद बिन सलमान जो है, ये तो सऊदी अरेबिया की शक्ल बदल रहे बिल्कुल। आप ये देखिए कि मैं 10 साल बन रहा 87 तक, आई कैन नॉट इमेजिन कि एयरपोर्ट पे उतरे और सामने एक सऊदी औरत आपके पासपोर्ट चेक कर रही हो। दिस इज अ रेवोल्यूशन विद इन अ डेकेड, और वो कर रहे हैं, सही राह पे हैं। आई थिंक इट इज अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन
ये अरब सोसाइटी कैन इवॉल्व मच बेटर इफ इट्स सिक्योर. जो लोग अपनी आइडेंटिटी में सिक्योर होते हैं उनको दूसरी चीजें पढ़ने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन इफ यू आर इनसिक्योर तो आप मारपीट, गुंडागर्दी, हवाई इमेजिनेशन, 70-72 हूरों, एक अजीब तमाशा आप बना के उसको प्रेजेंट करते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव टू अ सिविलाइजेशन दैट हैज बीन देयर. आप समझते ये कम अज कम 8 BC की किताबें हैं, ये 800 होगा मेरा ख्याल. आई एम सॉरी आई माइट नॉट बी, बट दीज आर एंशियंट टेक्स्ट. दुनिया की पहली पोएम, द लॉन्गेस्ट एवर पोएम रिटन. ये तो कोई भी लिटरेचर का या जो लिटरेचर समझना चाहता है, जो पोइट्री या क्लासिक्स के अंदर पढ़ना चाहता है, शायद ये हो कि पाकिस्तान में उसी का इंटरेस्ट ही ना हो क्लासिक्स में. एग्जाम पास करने के लिए लोग शायद पढ़ते हों, लेकिन वैसे तो नहीं है. कब मैं बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढा कि ये उर्दू कैसे आई हिंदी से. इट्स वेरी डिफिकल्ट. एक किताब वो भी स्विट्जरलैंड में कहीं छपी हुई थी कि हम किसी चीज को एक न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव मैनर में रैशनल अंदाज से सोचने के काबिल ही नहीं रहे. हम सिर्फ दुश्मन और दोस्त के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं. जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो. तो देखा ही आपने कि महाभारत और रामायण जो है वो सऊदी अरब के टेक्स्ट बुक, जैसे कि जो कंपलसरी बुक्स होती हैं ना, उनमें शामिल की गई है. तो कि ये जरूर बच्चों को पढ़ाई जाए. वो मतलब उनकी ना सोच थोड़ी एडवांस हो रही है. वो ये सोचते हैं कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन हर चीज़ की होनी चाहिए. ये नहीं है कि मतलब कि बच्चों को सोच जो है वो महदूद कर दी जाए. रामायण और महाभारत जो कि बहुत ही पुरानी बुक्स हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए सऊदी अरब ने ऐड किया ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके. बच्चे जो उनके पढ़ते हैं उनको हिस्ट्री के बारे में पता. सऊदी अरब में पहले आपको पता कानून बहुत ही ज्यादा सख्त है औरतों को लेकर के, औरतों को काम की इजाजत नहीं होती. लेकिन अभी वो जो है ना सऊदी अरब में भी, जैसे इन्होंने कहा कि वो पासपोर्ट, मैंने भी कभी देखा था कि कोई सऊदी औरत जो है वो पासपोर्ट जाके, लेकिन अभी तो वो काफी ज्यादा उन्हें सिनेमाज भी सऊदी अरब में खोल दी हैं और गाड़ी चलाने की भी इजाजत है. तो वो बदल रहे हैं, वो भी अपनी इकोनॉमी को, अपने मुल्क को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करना चाह रहे हैं. अगर पिछले दौर में रहेंगे ना तो वो कभी भी डेवलप नहीं हो सकेंगे. वो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने तो बहुत सी, जैसे दुबई में एक नया सिटी, दुबई सिटी उन्होंने बनाई है, तो वो भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि हम भी अपने मुल्क में एक नई सिटी बनाए जिससे टूरिज्म और भी अपॉर्चुनिटीज हमारे नौजवान और हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी हो. जिससे और रामायण पढ़ाने के मकसद यही था कि उनको भी एक ना हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल पता चल सके कि क्या थी वो उनकी हिस्ट्री, क्या है सारी हिस्ट्री का पता चल पाए. अभी यहाँ पे ना वो बोले कि पाकिस्तान में ऐसी कोई इजाजत नहीं है. मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पे भी ना बच्चों के लिए एक बुक होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पुरानी बुक्स हैं. तो इन्फॉर्मेशन के लिए बच्चों को पढ़ाना चाहिए. हर एक हमने मतलब हिस्ट्री पढ़ी थी ना, तो उसमें महाभारत और रामायण का ना अगर इन्फॉर्मेशन थी भी तो सिर्फ एक एक पेज की इन्फॉर्मेशन थी. कोई डिटेल्ड, जैसे कि हम रामायण और कोई सीरीज देखे हैं उसमें हमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली. और वैसे हम सीरीज देख रहे हैं सिया के नाम, उससे हमें काफी ज्यादा ना इन्फॉर्मेशन मिली रही है. तो प्लीज आप वहाँ भी हमें वीडियो जरूर देखिए. हमने सिया के नाम जो है वो इसीलिए स्टार्ट किया ताकि हमें इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऐसा ही है कि हिस्ट्री का पता चल सके क्या हुआ था. लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही चीजें पता चल रही है, मजा आ रहा है ना यार देखने में. उसके बाद हम महाभारत जरूर स्टार्ट करेंगे. महाभारत हमने स्टार्ट की थी, लेकिन बहुत ज्यादा लोग बोल रहे थे कि सिया के राम पहले देखें. हाँ। तो हमने सिया के राम स्टार्ट इसके बाद वो स्टार्ट करेंगे. प्लीज हाँ बिल्कुल. हाँ। महाभारत भी हम देखेंगे. मतलब हम ऐसे लोग नहीं है कि ये सोचेंगे नहीं नहीं यार ये तो हिस्ट्री का देखें. हिस्ट्री का आपको हर एक किस्म की हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि यार उनका मजहब ये है तो वो कैसे होता है या क्या वो मानते हैं, आपको उसके बारे में चीजें क्लियर होनी चाहिए. बहुत ज्यादा हिंदू है जो कुरान पाक पढ़ते हैं और बहुत ज्यादा वो भी मुस्लिम के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं करते हैं. वो भी मतलब मानना ना मानना हर एक बंदे के अपनी मतलब ऊपर होता है. वो तो देखेंगे मतलब तो आपका जो भी है वो है, लेकिन ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए देखें. मानने मानने के लिए अगर हम मुस्लिम से हम तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि यार वो अगर हिंदू होते हैं तो वो कैसे आप अपनी पूजा वो करते हैं या वो क्या रस्में हैं, क्यों मनाते हैं वो ऐसे. हाँ तो बहुत ज्यादा ऐसे डाउट्स होते हैं जो मतलब क्लियर नहीं होते हमारे माइंड में. तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है.
लोगों को जानने में भी कुछ लोग होते हैं ना, आपको पता उन्हें जानने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि यार इसकी हिस्ट्री हमें पता होना चाहिए। जब से हमने सिया ग्राम स्टार्ट किया ना, सची में मेरा खुद का इंटरेस्ट बढ़ गया कि यार रोजाना हम देखें और ज्यादा एपिसोड बनाए। तो जिसको चैनल है हमारा, हम उस पे सिया के राम बना रहे, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है वो हमें देखने में। तो आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए, जो भी आप वीडियो बताएंगे हम आपके लिए लाएंगे। बहुत अच्छा लगा ये वीडियो देखे, हमें तो बहुत ज्यादा खुशी है। मैं तो ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान की भी टेक्स्ट बुक में इस तरह की एक बुक ऐड करनी चाहिए ताकि हमारे स्टूडेंट्स को भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो यही थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी प्लीज बताइएगा और हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, थैंक यू।